मुंबई। बॉलीवुड फिल्मों के निर्माता जयविंद्र सिंह भाटी की अब तक 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। सबसे पहले 2014 में हम हैं 3 खुराफाती उन्होंने बनाई थी, फिर 2017 में इश्क का मंजन, 2018 में वेन ओबामा लव्ड ओसामा और 2019 में उनकी फिल्म रिलीज हुई उमाकांत पांडे। प्रोड्यूसर जयविंद्र सिंह भाटी अब निर्देशक भी बन गए हैं और उनके कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिलहाल वह 2 फिल्मों पर काम कर रहे हैं, जिला गौतम बुद्ध नगर और केबल टीवी एक प्रेम कहानी ऐसी भी। इन दोनों फिल्मों के कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग हैं। केबल टीवी एक प्रेम कहानी ऐसी भी, यह एक कॉमेडी लव स्टोरी है। ये 3 दोस्तों की कहानी है जो केबल टीवी कंपनी में काम करते हैं। वे बहुत शरारती और नटखट किस्म के होते हैं। फिर उनकी जिंदगी में लड़की की एंट्री होती है और कैसे उनकी जिंदगी बदलती है। मूवी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। वहीं जिला गौतम बुद्ध नगर एक गैंगस्टर पर आधारित एक्शन मूवी है। उन्हें फिल्म डायरेक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? इस सवाल पर वह कहते हैं, जब मैं फिल्म शुरू करने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ता था तो मुझे लगता था कि बहुत सारे सीन्स जबरदस्त व शानदार होने वाले हैं, लेकिन जब वो सीन शूट होने के बाद मेरे सामने आता था तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कई चीजें छूट गई है। तब मुझे लगा कि अगर मैं डायरेक्शन में हाथ आजमाऊं तो जरूर चीजें बेहतर निकल कर आएंगी। वह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में 2 अलग जिम्मेदारियों को काफी चैलेंजिंग मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जिंदगी में जब तक चैलेंज नहीं मिलते तब तक बड़े काम को अंजाम देना नामुमकिन है। वह ग्रेटर नोएडा से हैं और एक बिजनेसमैन हैं। हमेशा डायरेक्शन में रुचि रखने वाले जयविंद्र सिंह भाटी ने फिल्में प्रोड्यूस करते करते ही निर्देशन की बारीकियां भी सीखी और समझी हैं।